हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, अभी ये टाइम जो हो रहा है वो है 11 बजे का, और इस टाइम पे ब्रेकफास्ट का काम निपट चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ डस्टिंग। हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा है वो स्कूल, मतलब बड़ा बेटा स्कूल जा चुका है, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, और यहाँ पर बस चल रही है मेरी क्लीनिंग डस्टिंग। मतलब कि सुबह झाड़ू पोछा वगैरह तो हो जाता है, बट उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऊपर के काम होते हैं वो सब यहाँ चल रहे हैं, तो वो काम मैं बाद में ही करती हूँ जब सब चले जाते हैं। साथ साथ ये छोटा वाला बेटा है मेरा, तो इसको बीच बीच में इस तरह से खिला लेते हैं, और वो मतलब खेलता है, बीच बीच में डिस्टर्ब करता रहता है। तो वो एक्चुअली मेरे आसपास ही रहता है जब मैं काम कर रही होती हूँ, क्योंकि अभी छोटा है तो वो स्कूल नहीं जाता, तो मेरे आसपास रहता है। सो यहाँ पर मैंने देखा कि बेडशीट भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैं उसको चेंज कर रही हूँ। वैसे भी बेडशीट हमारे यहाँ, मैं मतलब मेरे घर में या जो भी बच्चे जिसके घर में बच्चे होते हैं वहाँ तो बिल्कुल 2 दिन से ज़्यादा बेस्ट बेडशीट चल ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चे जो हैं इतना गंदा करते हैं। तो मैं तो भैया 2 दिन से ज़्यादा बिछा ही नहीं सकती, दूसरे तीसरे दिन मुझे बेडशीट बदलनी ही पड़ती है। और ये लोग बेड पे दिन भर इधर से उधर कर चलते हैं, तो फिर वो गंदा हो ही जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस अब यहाँ पे सब पिलो वगैरह मैं लगा दूँगी। डस्टिंग मैंने कर ली है, और प्लीज़ अगर बाहर की वॉयस आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बगल में ही घर के हाईवे है, तो यहाँ पर दिन भर ट्रक वगैरह चलते रहते हैं। सो मैं अभी आफ्टरनून के टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो इस वजह से आप लोगों को थोड़ी सी हो सकता है बाहर की आवाज़ भी सुनाई दे रही हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरा जो है बेडशीट है वो लग चुकी है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से ब्लैंकेट डाल देती हूँ ऊपर, और इसके बाद यहाँ पे ब्लैंकेट लगाने के बाद आपके रूम में, अगर कमरे में अगर आपने बेड ठीक कर दिया है तो फिर तो अलग पर लगता है आधा रूम ही ठीक हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ये मेरी लॉन्ड्री बास्केट मैं रखती हूँ एक रूम में, जिसमें बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, और इधर उधर के मैं इसी में डालती जाती हूँ। तो कुछ इसमें अच्छे साफ़ कपड़े भी हैं और कुछ इसमें जो हैं गंदे भी हैं, तो दोनों तरह के इसमें कपड़े मिक्स हो गए हैं। तो वही मैं अलग अलग करके रख रही हूँ, जो गंदे हैं वो अलग करूँगी धुलने के लिए, और जो साफ हैं उनको अलग करके तह बना के रख दूँगी। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बाकी काम करने के लिए मैं बाद में जाऊँगी, तो यहाँ पर ये हो गए हैं तैयार। जो कपड़े तय करने थे वो मैंने तय करके रख दिए हैं, बाकी रूम वगैरह अच्छे से क्लीन हो गया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ अब छत पर, और यहाँ पर ये देखिए मेरा कपड़ों का अंबार लगा हुआ है। एक्चुअली सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि क्या बात करें उसमें, मतलब इतना एक्स्ट्रा कपड़ा होता है सर्दियों में, और बच्चों के तो छोटे बच्चे हैं तो उनको 2 से 3 लेयर तो पहनाते ही हैं हम लोग, तो उसी वजह से और कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये देख लीजिए इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। अब मैं इनको यहाँ पे सेग्रीगेट करके अलग अलग करूँगी और वॉश करूँगी, तो उसमें जो वूलन वाले हैं वो अलग कर दूँगी, और जो वाइट कपड़े हैं कुछ जैसे ड्रेस वगैरह है तो वो मैं सबसे फर्स्ट वॉश में वही धुलती हूँ, क्योंकि वो एकदम साफ़ कपड़े होते हैं, तो उनको जैसे वाइट कपड़े हैं तो उनको सबसे पहले मैं धुल लेती हूँ, एंड उसके बाद फिर जो वूलन्स वाले हैं वो एक अलग वॉश करूँगी, अलग सेपरेट करके इस तरह से मैं अपने कपड़ों को वॉश करती हूँ। तो यहाँ मैं मशीन लगा रही हूँ, अभी टाइम हो चुका है आफ्टरनून का, तो यहाँ पर मैं छत पे, हमारी मशीन छत पर ही है क्योंकि हमारा वॉशरूम भी यहीं पर है। सो यहाँ पर मैंने मशीन को लगा दिया है, और यहाँ पे अब धुलेंगे कपड़े, और मैं जाऊँगी अब नीचे अपने बाकी के काम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, नीचे आई तो यहाँ पर कुछ ग्रॉसरी का सामान थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने वही मंगाया था, तो पापा जी लेके आए हुए थे,
तो वही मैं यहाँ पे अलग कर रही हूँ। अब ये है विनेगर की एक वाइट बोत वाइट विनेगर की बोतल, ये हींग ख़त्म हो गई थी वो मंगाई, थोड़ा सा ज़ीरा ख़त्म हो गया था वो था, एंड विम की वो थोड़ी थोड़ी जो बट्टियाँ हैं वो हैं, एंड साथ ही साथ नमक के पैकेट। सो ये सब सामान रखा के निकाल के रखने के बाद अब यहाँ पर ये किचन में मैं आ गई हूँ, क्योंकि लंच भी बनाना है और टाइम भी हो रहा था लंच का। सो सबसे पहले आके मैंने को सोचा पहले तो सबसे पहले यही बास्केट खाली करूँ, क्योंकि यहाँ पे जब कपड़ों ये हटेंगे बर्तन तब हम आगे के बर्तन इसमें डालेंगे, तो ये सारे सूख गए थे पुराने, मतलब जो पहले धुले थे। अब उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। हमारे यहाँ मेरा किचन बहुत छोटा है तो सिंक भी काफ़ी छोटा है, और बहुत छोटी सी जगह पे मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझसे बैठ के, वैसे बाहर जाऊँ तो आंगन में धुल सकती हूँ बट मुझसे ज़्यादा देर बैठ के काम नहीं होता है, तो मैं इस तरह से खड़े खड़े ही धुलती हूँ। तो एक एक बर्तन को मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ और धुलती जा रही हूँ तुरंत तुरंत। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने काम किए किचन के, और इसी बीच आ गया है मेरा बेटा बड़ा वाला। सो वो स्कूल से आ गया है, तो अब यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी मस्ती चलती है। जितनी देर वो आता है तो बिल्कुल छोटा वाला थोड़ी देर तो बिल्कुल उससे गले लगा के मिलता है, देखिए किस तरह से बिल्कुल चिपक जाता है, और वो छोड़ता नहीं है। ये इनका रोज का है कि जब वो स्कूल से आएगा तो उसको पूरा गले लगना है, बिल्कुल भाई से जैसे लगता है जन्मों के बिछड़े हुए मिल रहे हैं, और उसके बाद शाम तक खूब लड़ाई होती है दोनों की। अभी मैं पकड़ के इसके बाल काट रही हूँ, क्योंकि मैं इसको हमेशा का है कि जब भी इसके बाल वगैरह काटो तो इस तरह से रोने लगता है, और मतलब भागता है, कहता है मत करो कुछ भी मत करो, देखिए फिर भाग गया। सो इसके बाद मैं बड़े बेटे के फटाफट से कपड़े उतार दूँगी, और बस यहाँ चल रही है हम लोग की आपस की गपशप। गपशप आते ही सारी बातें ये मुझे बताने वाला है स्कूल की, क्या क्या किया क्या नहीं किया, एंड इसी बीच फिर मैं कपड़े वगैरह उनको दे के फिर मैं आ गई छत पे, और वो जो सेकेंड लोड के कपड़े थे वो यहाँ पे फैला दूंगी। सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। सो सारी सब्जी वेजिटेबल मैंने कट कर ली है, बाकी एक साइड दाल वगैरह मैंने बना ली है, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी। तो इसको मैं हम मेथी में ही छौंकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, मेथी डाली है, एंड उसके बाद डाला है हींग, एंड उसके बाद हमने कटे हुए प्याज यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और इसको अच्छे से पका लेंगे, मतलब ट्रांसलूसेंट हो जाए, कलर थोड़ा सा चेंज कर दे प्याज, बस इतना ही पकाना है। एंड इसके बाद इसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, जो भी आप मतलब डालना चाहें, जो आपके बेसिक मसाले आप जो जो यूज़ करते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हल्दी धनिया की ही खास ज़रूरत होती है। इससे इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है कि मैं क्या बताऊँ। कद्दू और पूड़ी हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, फ़िलहाल तो मैं दाल के साथ का बना रही हूँ दोपहर के खाने में, बट कल कद्दू पूड़ी का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही फेमस है और यूपी में तो बहुत ही खाया जाता है। सो यहाँ पर क्या हो गया, किसने डांटा तुमको, किसने डांटा बउआ को मेरे, भाई चॉकलेट खाया है क्या, छोड़ लगा लिया, किसने डांटा बताओ, किसने डांटा तुमको, दादा ने डांटा है, दादा ने डांटा है बउआ को, मेरा दादा गंदा है, दादा गंदा है, अभी दादा को पिटाई करेंगे। सो इसको ढक के अब पका लेंगे, एंड इसके बाद जब ये पक रहा है उसी टाइम पे मैंने यहाँ पे फटाफट से राइस भी चढ़ा दिए हैं, और दूध आ गया था वो भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके बाद मैं लगा लूँगी आटा, और आटे को लगाने के बाद यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, और बस इसके बाद हम बनाएंगे फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि हो गया है लंच का टाइम भी,
और सबको भूख भी लगेगी। अब 2 बज रहा है, करीब 2 बज गया होगा, और क्योंकि रुद्र के स्कूल का टाइम है ना 1:30 बजे का, तो वो इस टाइम अब 2 बज रहे होंगे, तो बस आके अब खाना वाना खाएगा। सो फटाफट से मैं सारी चीज़ें बना रही हूँ, और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी में अब लास्ट में जाएगा शुगर और आमचूर पाउडर, ये बिल्कुल ज़रूर डाल के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है जब आप इस, या तो गुड़ डालिए या तो शुगर डालिए, जो खट्टी मीठी सी थोड़ी सी सब्ज़ी बनती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ही मैं बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि इसी तरह की हमारे यहाँ पसंद करते हैं और मुझे भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं यहाँ बना लूँगी गरम गरम सी रोटियाँ, और इसके बाद हम लोग करेंगे लंच, एंड लास्ट काम मेरा रह गया है ऊपर जो कपड़े फैलाने का, वो भी मैं जाके लास्ट मतलब यहाँ का काम कंप्लीट करके जाऊँगी और वो कपड़े फैला दूँगी। सो फ्रेंड्स, अब मेरा लंच वगैरह जो है वो बन गया है, और थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं, जो थोड़े बहुत निकलते हैं बनाते टाइम वो सारे वॉश हो गए हैं, एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ सारी क्लीनिंग। तो यहाँ पर छोटी सी जगह है, थोड़ा सब चीज़ उठा उठा के ही मुझे साफ़ करना होता है, और बस यहाँ पर कर रही हूँ मैं क्लीनिंग। तो पहले आगे वाले की कर लूँगी, आगे के फिर सामान रखूँगी पीछे और फिर कर लूँगी, क्योंकि स्लैब भी छोटी सी है तो उसमें सामान सारा, अभी खाना वगैरह जो बनाया है उनमें से कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, एंड इस तरह से मैं पूरा क्लीन कर लूँगी एंड अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई करके, उसके बाद फिर मैं यहाँ का मेरा किचन का लास्ट काम है जो वो है इस पूरी जगह को साफ़ कर लेना। सो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ लास्ट में, एंड इसके बाद मेरा किचन का जो आफ्टरनून का काम है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड इसके बाद फिर मैं करूँगी जो फिर उसके बाद मैं ऊपर का जो मेरा काम बचा है वो करूँगी जाके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और ये देखिए हमारा जो लंच है वो बन गया है, दाल चावल रोटी सब्जी एंड सैलेड। सो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट बार विजिट किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो देख लीजिए कितने सारे कपड़े वगैरह मैंने धुल लिए हैं।